नमस्कार मित्रों, सत्य संगीत चैनल के एपिसोड 22 में मैं सत्यजीत सत्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में प्रस्तुत करने जा रहा हूं 99 ईयर्स लीज का सत्य। मित्रों, द ललन टॉप के खबर के अनुसार 24 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के झांसी में ललन टॉप अड्डा आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न पार्टियों के नेता अपने पार्टियों की बात रखने के लिए उपस्थित थे। वहां भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के युवा मोर्चा यूथ विंग के भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM के प्रवक्ता और नेता कहिए नेत्री रुचि पाठक द्वारा यह दावा किया गया, यह कहा गया कि कांग्रेस ने आज़ादी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ली थी। वो कही कि कांग्रेस ने आज़ादी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ली थी। रुचि पाठक का वर्ड्स पूरी नहीं, वो कहती है ललन टॉप अड्डा पर, वो कहती है सार्वजनिक मंच से, बहुत सारे ऑडियंस हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो कहती है कि यह आज़ादी, यह भारत की आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि सबको मालूम है, जो मिली है, जो प्राप्त किया गया है, जो हम लोग लड़ कर लिए हैं, तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का, सत्याग्रहों से लेकर के तमाम क्रांतिकारियों का इसमें महान योगदान है, उस आज़ादी को यह रुचि पाठक कह रही है, बीजेपी की लीडर, कि यह आज़ादी 99 साल की लीज पर है। वह कहती है यह आज़ादी कंप्लीट नहीं है, उनके शब्दों में भारत कंप्लीट आज़ाद नहीं है। वह कहती है कि नेहरू गांधी ने ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली। मित्रों सोचिए, गांधी ने, वो कहती है कि गांधी ने शपथ ली, अजीब बात है। आप देखिए उनका वीडियो। उस टाइम क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है, भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे, नेहरू गांधी ने किसकी शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन की शपथ ली थी। मित्रों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 के रात्रि 12 बजे से एक संप्रभु राष्ट्र है, अर्थात भारत की आज़ादी लीज पर नहीं है, भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र देश है। लेकिन रुचि पाठक जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भ्रामक जानकारी या कहिए यह झूठ सेट है, या वे जानबूझकर इस झूठ को फैला रहे हैं। आज आईटी सेल्स, विभिन्न पार्टियों के आईटी सेल्स द्वारा कितने ही झूठ फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारे झूठ का फैक्ट चेक भी होता है और हम लोगों को पता चलता है। लेकिन मित्रों जब आईटी सेल्स नहीं हुआ करते थे तब भी बहुत सारे लोग थे, या कहिए कुछ लोग थे, जो झूठ फैलाते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, राजीव दीक्षित। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में हैं, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, तो आप राजीव दीक्षित को जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं
एक छोटा सा उनका परिचय दे देता हूँ कि राजीव दीक्षित रामदेव बाबा के साथ मिल करके काम करते थे, भारत में घूम घूम करके वे भारत के स्वाभिमान को जगाने के लिए, या उनका एक नाम था आज़ादी बचाओ आंदोलन, उसके तहत वो लोग काम करते थे। बाद में रामदेव बाबा के साथ उनका विवाद भी हो जाता है, बाद में रहस्यमय तरीके से, जैसा कि आरोप है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि दुखद है। तो राजीव दीक्षित बहुत बड़े ओरेटर थे, बहुत अच्छे बोलने वाले थे, अच्छे स्पीकर थे। वे ये झूठ फैलाए थे। मित्रों, आप स्वयं देखिए राजीव दीक्षित का ये वीडियो, जिसमें वे लोगों को बता रहे हैं कि भारत की आज़ादी 99 इयर्स की लीज पर है। अब देखिए राजीव दीक्षित का ये वीडियो देखिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजीव दीक्षित जैसे व्यक्ति, जितने बड़े ओरेटर थे, बहुत अच्छे प्रवक्ता थे, उनके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति लोगों के बीच ज्ञान का न प्रचार प्रसार कर एक झूठ फैला रहे हैं और लोगों के दिमाग में भ्रामक जानकारी भर रहे हैं, पूरी तरह से झूठ भर रहे हैं कि भारत 99 इयर्स, भारत की आज़ादी 99 इयर्स की लीज पर है। देखिए मित्रों ये इस वीडियो को। मित्रों, मेरा मैसेज यह है कि आप अपने दिमाग को खुला रखें और झूठ फैलाने वाले लोगों से बचें। धन्यवाद।